नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक और मामले की हुई पुष्टि। गुजरात में मिला एक और मरीज। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटा था मरीज को किया गया क्वारंटीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर। उत्तराखंड को मिलेगी 18,000 करोड़ की सौगात। पेट्रोल डीजल के दामों में राहत के बाद अब CNG के दामों में हुई बढ़ोतरी। अब 52 रुपए की जगह 53 रुपए प्रति किलो हुई कीमत। अमरिंदर सिंह आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में होगी मुलाकात। पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय संभव। राष्ट्र आज मना रहा है नौसेना दिवस। नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने कहा, नौसेना चीन और पाकिस्तान की दो तरफा कार्रवाई में सक्षम। विशाखापट्टनम में विदेश से आए 30 लोग लापता। ओमिक्रॉन वेरियंट के खतरे के बीच ट्रेसिंग शुरू की गई। जवाब तूफान की वजह से बंगाल और तटीय इलाकों में आज हो सकती है भारी बारिश। NDRF की टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई। UN में भारत ने पाकिस्तान को घेरा। कहा, पाकिस्तान देता है आतंकियों को पनाह। लश्कर ISI से जुड़े आतंकी पाकिस्तान में मौजूद। अभिषेक बच्चन की फिल्म बॉब विश्वास हुई रिलीज। कॉन्ट्रैक्ट किलर के रोल में अभिषेक बच्चन ने डाली जान। दर्शकों और क्रिटिक्स ने सराही फिल्म। और भारत न्यूजीलैंड के बीच जारी दूसरे टेस्ट में भारत की पहली पारी 325 रन पे सिमटी। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम, मात्र 62 रन पे हुई ढेर। ताजा समाचार मिलने तक भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 50 रन। भारत की कुल बढ़त हुई 313 रन।